I am loving you. Yes, yes, I am loving you. Friends, I am loving you. Is it correct to say? According to rule, I am loving you is not grammatically correct because it uses stative verb. Friends, I am loving you. क्या ये कहना सही है? क्या ये एक correct sentence है? आज के इस topic पर हम बात करने वाले हैं. Friends, क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या गलत है? आपको लग रहा होगा कहीं से गलत नहीं, ये तो बिल्कुल सही है. बट ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ एक स्टेटिव वर्ब का यूज हुआ है. ये जो लव है यह एक स्टेटिव वर्ब है. तो ये स्टेटिव वर्ब क्या होता है और ये कैसे गलत है, आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं. फ्रेंड्स, आपको जानकर ये हैरत होगा कि बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आप आईएनजी फॉर्म नहीं ऐड कर सकते. उसके कुछ कंडीशंस हैं जो आज के इस वीडियो में हम उन सभी कंडीशंस को देखेंगे. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, ये स्टेटिव वर्ब क्या है सबसे पहले हम ये समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि स्टेटिव वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं. फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जनरली जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होता. मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कभी नहीं होता, बट आमतौर पर इनके साथ आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता और इस तरह के वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं. शायद आपने बात को नहीं समझा, आइए स्टेटिव वर्ब को जरा और गहराई से जानते हैं. स्टेटिव का मतलब होता है फिक्स्ड और वर्ब मींस एक्शन वर्ड. तो आप ऐसे समझिए, स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है फिक्स्ड वर्ब. अगर इसे हिंदी में कहूं तो अस्थाई क्रिया, या अगर उर्दू में कहूं तो मैं कहूंगा मुकर्रर फेल. यानी फ्रेंड्स, इस तरह के वर्ब एक परमानेंट काम को बिना किसी कोशिश के अस्थाई रूप से होने वाले काम को एक्सप्लेन करती है या बताती है. यानी फ्रेंड्स, स्टेटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें एक परमानेंट काम को बिना किसी कोशिश के लगातार होने को बताया जाता है. जैसे सी मींस देखना, खुली आंखों से देखने का ही काम होता है. यानी हम बिना ज्यादा कोशिश किए इस काम को करते हैं जो तकरीबन आपरूपी होता है. उसी तरीके से हियर मींस सुनना, स्मेल मींस महकना, टेस्ट मींस स्वाद लेना या फील मींस महसूस करना. तो ये सभी वर्ड्स बिना किसी खास कोशिश किए आप रूपी होते हैं. कोई चीज आप रूपी महक सकते हैं या सुन सकते हैं. इन सभी वर्ड्स का यूज जब हम नॉर्मल कंडीशन में करते हैं तो इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से बोलते हैं. यानी आप इनमें आईएनजी फॉर्म नहीं जोड़ सकते. सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, फीलिंग आप नहीं कर सकते. लेकिन जब आप इन वर्ड्स का यूज किसी खास मकसद के लिए कर रहे हो, यानी किसी स्पेशल पर्पज के लिए कर रहे हो, तो आप इसमें आईएनजी जोड़ सकते हैं. कैसे जोड़ सकते हैं यह बात मैं आपको आगे एग्जांपल में बताऊंगा. फिलहाल आप यहां इतना समझें कि जब आप इन वर्ड्स का यूज कॉमन सेंस में करें, जैसे सी मींस देखना, टेस्ट स्वाद लेना, फील महसूस करना, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से बोलेंगे, आईएनजी फॉर्म ऐड नहीं करेंगे. आई लव यू. फ्रेंड्स, यह एक करेक्ट सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि लव, हेट, बिलीव ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें परमानेंट का सेंस होता है. यानी इन सभी वर्ड्स से ये पता चलता है कि कोई काम फिक्स्ड रूप से चल रहा है या अस्थाई रूप से चल रहा है. तो आप इनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लिख सकते क्योंकि आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है कि टेम्पररी चल रहा है या कुछ पल के लिए चल रहा है. इसलिए आप ये नहीं कह सकते आई एम लविंग यू, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. आपको कहना होगा आई लव यू. अगर बात हम हेट की करें तो आप नहीं कह सकते आई एम हेटिंग यू, आपको कहना होगा आई हेट यू. आप नहीं कह सकते आई एम बिलीविंग इन गॉड कि मैं गॉड में यकीन रख रहा हूं, आप नहीं कह सकते क्योंकि इसमें परमानेंट का सेंस है. आप कहेंगे आई बिलीव इन गॉड,
मैं गॉड में यकीन रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स में परमानेंट का सेंस होता है। इन वर्ड्स से ये पता चलता है कि कोई काम अस्थाई रूप से चल रहा है, यानी मुकर्रर तरीके से चल रहा है। अगर आप इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे तो फिर ये अस्थाई हो जाएगा, यानी ये परमानेंट नहीं रह जाएगा, ये टेम्पररी हो जाएगा, जो आपको नहीं करना है। फ्रेंड्स, स्टेटिव वर्ब पांच तरह के होते हैं। जैसे जो पहला होता है उसे हम वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं, जिसमें सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील आते हैं। जो दूसरा काइंड होता है वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, जैसे लुक, रिसेम्बल, सीम, अपीयर। और थर्ड वर्ब्स ऑफ इमोशंस, जैसे वांट, डिजायर, विश, हेट, होप, लाइक, बिलीव, डाउट, केयर, फील, एक्सपेक्ट, एडमायर। जो चौथा काइंड होता है फ्रेंड्स वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, जैसे थिंक, सपोज, एग्री, कंसीडर, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट, रिमेम्बर, फॉरगेट, नो। और फ्रेंड्स जो पांचवा काइंड होता है वह वर्ब ऑफ पोसेशन होता है, जैसे बिलोंग, ऑन, पोसेस, कंटेन और हैव। तो फ्रेंड्स स्टेटिव वर्ब पांच तरह के होते हैं, और जब हम इनका यूज कॉमन सेंस में करते हैं, यानी किसी खास पर्पज के लिए नहीं करते हैं, तो आप इनमें आईएनजी फॉर्म ऐड नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, आइए इस बात को अब एग्जांपल में समझें। वी आर सीइंग विद आवर आईज। फ्रेंड्स यहां आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, क्योंकि आप आर के साथ आईएनजी फॉर्म देख सकते हैं। ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर हम आंखों से देखने का ही काम करते हैं, यहां हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से बोलना होगा, जैसे वी सी विद आवर आईज। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, जबकि ये करेक्ट है। यहां देखिए वी आर स्मेलिंग विद आवर नोज। अब हम आमतौर पर जानते हैं कि नाक से स्मेल किया जाता है, यानी नाकों से सूंघने का काम होता है, तो ये स्मेल का कॉमन यूज है, ये एक आम यूज है। तो यहां हम स्मेल के साथ आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते, यानी इसको कंटीन्यूअस में बोलना दैट्स रॉन्ग। आपको इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलना होगा वी स्मेल विद आवर नोज। तो फ्रेंड्स इन सभी वर्ड्स का यूज कॉमन सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। आइए कुछ और एग्जांपल देखें जहां इनका आप स्पेशल यूज देखेंगे, और वहां इन्हें आप आईएनजी के साथ बोल सकते हैं, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। The dog is smelling the pocket of food. Friends, यहाँ पर मैंने smell के यूज किया है और उसमें मैंने ing ऐड किया है, जो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ smell के यूज किसी खास सेंस में हुआ है, मतलब यहाँ smell का यूज स्पेशल काम को करने के लिए हुआ है, किसी खास काम को करने के लिए हुआ है, यानी किसी नॉर्मल काम को करने के लिए नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में आप स्मेल में आईएनजी फॉर्म जोड़ सकते हैं, या आप कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। यहां देखते हैं फ्रेंड्स ही इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस। यहां पर फ्रेंड्स लुक में आईएनजी आया हुआ है, यानी यह कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहां लुक का यूज कॉमन नहीं है, यानी यहां लुक का यूज किसी खास मकसद के लिए हुआ है, किसी खास पर्पज के लिए हुआ है, और वो पर्पज है कि चश्मे को ढूंढना। तो फ्रेंड्स जब उन सभी वर्ड्स को किसी खास मकसद के लिए किया जाए तो फिर आप उसमें आईएनजी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर यूज कॉमन है तो फिर उसमें आप आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं। आप उस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से बोलेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।